हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन। आज इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड की तरफ से अपडेट। बहुत बढ़िया मौका है, अगर आप एलिजिबल हो, अगर क्राइटेरिया सेट होता है, अप्लाई ज़रूर से करना। फ्रेशर्स के लिए अच्छा चांस है, परमानेंट जॉब है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे पूरा डिस्कशन, कैसे सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, कैसे अप्लाई करना है, सब कुछ शेयर करूँगा इसी वीडियो के अंदर। एंड तक वीडियो को ज़रूर से देखना अगर आप एलिजिबल हो। और अगर पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से प्रेस करना अगर आपको करियर गाइडेंस एंड जॉब अपडेट्स के रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोस चाहिए। इसी के साथ आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे बात करेंगे क्या है पोस्ट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और किस तरीके से सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। तो किस मैं आपको उस वे में बताऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि अप्लाई करना है या नहीं। अगर आपको लगता है कोई काम का नहीं है तो आप आराम से वीडियो को छोड़ सकते हो, बस एक लाइक कर देना। और आप जो वीडियो देख रहे हो, आप भी वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। हम डेली ऐसे वीडियोज़ लेकर आते हैं तो आपके दोस्तों को भी हेल्प मिल जाएगी और हमें थोड़ा सपोर्ट हो जाएगा। सो यहाँ पे जो है ये एप्लीकेशन 8 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है और इसकी लास्ट डेट 23 फरवरी है। टेंशन मत लीजिए, आपके पास जो है आप आराम से अभी भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 23 फरवरी से पहले देख रहे हो, आप बस एक घंटे का काम है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। अब यहाँ पे पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर की, एंड शुरुआत की दो पोस्ट आपके काम की नहीं है बिकॉज इसमें ओबीसी वाले अप्लाई कर सकते हैं, कंपनी सेक्रेटरीज एंड सीए वगैरह। अगर आपने किया है और ओबीसी में आते हो तो आप बिल्कुल आगे बढ़िए, वीडियो में देखिए कि क्या किस तरीके से करना है और आप एलिजिबल हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ओबीसी वाले। अब उसके बाद जो यहाँ पे अनरिजर्व वाले हैं उसके अंदर अगर आपने डिग्री 4 साल की 60% के साथ मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड नेवल आर्किटेक्ट में की हुई है तो आप भी यहाँ पे एलिजिबल हो। बाकी के जो एलिजिबल नहीं है वो वीडियो तो छोड़ सकते हैं। अगर आप यहाँ पे बीटेक वाले जो गेट की तैयारी कर रहे हो, गेट 2023 अगर आपका टारगेट है, तो अनअकैडमी पे टॉप एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं और इनके जो लाइव क्लासेस है, मतलब लाइव जो बैचेस है, वो स्टार्ट हो चुका है। और अभी स्पेशल प्राइस भी चल रहा है जिसमें 10% प्लस 10% वो स्पेशल ऑफर है, जिसमें आपको 10% मिल रहा है और 10% आपको मेरा कूपन कोड यूज़ करने से मिलेगा, जिससे आपको काफ़ी बढ़िया डिस्काउंट मिल रहा है। यहाँ पे 12 मंथ्स, 18 मंथ्स, 24 मंथ्स, इस तरीके के आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे जिसमें आप एनरोल कर सकते हो। सो ये जो है लिमिटेड टाइम ऑफर है 16 फरवरी तक, और बैचेस में टॉप एजुकेटर्स पढ़ा रहे तो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। इवन यहाँ पे आपको 2024 के बैचेस मिल जाएंगे, फाउंडेशन बैच, जिसमें अगर आप जो तैयारी कर रहे हो तो अभी से स्टार्ट कर सकते हो, जो आपको बहुत हेल्प करेंगे। सो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है जिसमें आप रजिस्टर कर सकते हो, कोड यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। और अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो ये ऑफर का बेनिफिट लेके आप एनरोल जरूर से कर लीजिए। नाउ कंटिन्यू करते हैं अपडेट की तरफ। यहाँ पे इन्होंने ब्रांचेस के साथ और कौन सी इसके रिगार्डिंग रिलेटेड ब्रांचेस एलिजिबल है वो भी बता दिया है। स्क्रीनशॉट डिस्प्ले कर रहा हूँ, डिटेल में देख लेना, अच्छे से बताया है। बाद में डाउट रहता है, प्रोडक्शन वाला हूँ तो मैकेनिकल में अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं, तो यहाँ पे इन्होंने कहा है ऐसी दूसरी जो भी ब्रांचेस है वो एलिजिबल है। और यहाँ इन्होंने एज लिमिट के बारे में भी बताया हुआ है, आपको बेसिक सा नॉर्मल एज लिमिट रहता है 28 ईयर्स का ही है। और सैलरी मैंने आपको बताई दिया 40,000 बेसिक पे रहेगा, अलाउंस वगैरह जब आप ऐड करते हो तो 60,000 से 65,000 के बीच ये रेंज करती है, तो काफ़ी बढ़िया है और परमानेंट जॉब है क्योंकि GRSE जो है वो एक PSU है और ये गेट के बिना रिक्रूट कर रही है। लेकिन इसका लेवल जो है ऐसा नहीं है कि कुछ कम रहेगा गेट से। यहाँ पे ये टेस्ट जो कंडक्ट करेंगे, Part 1 60 questions 60 marks डिसिप्लिन रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, एंड Part 2 जनरल मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, इंग्लिश, डेटा एनालिसिस, ये सब हो गया। 25 questions 25 marks, तो टोटल 85 questions है, 85 marks की एग्जाम रहेगी। और इसके सेंटर्स कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, और ये एग्जाम टेंटेटिवली इन्होंने डेट भी बता दी है 6 मार्च 2022 को होने वाली है। बात करते हैं यहाँ पे ड्यूरेशन की, तो आपको 90 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा और यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। और यहाँ पे उसके बाद आता है इंटरव्यू, मतलब कि आप पैटर्न अगर देख रहे हो तो ये सेम है, मतलब गेट एग्जाम के बाद डायरेक्टली इंटरव्यू देना होता है। यहाँ पे इन्होंने एग्जाम रखी हुई है, उसके बाद क्राइटेरिया रखा हुआ है, जो भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको यहाँ पे इंटरव्यू के लिए भी कॉल आ सकता है। तो यहाँ पे इंटरव्यू में शॉर्टलिस्ट होंगे, लेकिन मेन क्राइटेरिया आपका जो है वो यहाँ पे रिटन टेस्ट है। उसके अलावा आपका यहाँ पे समझ लो तो ज़्यादा से ज़्यादा वेट जो है रिटन टेस्ट पे ही रहता है। इंटरव्यू में बेसिक आपको सवाल पूछे जाएंगे और यहाँ पे आपको फाइनल मार्कशीट डिस्प्ले करनी होगी, तो इंटरव्यू के दौरान करनी होगी। हो सकता है आप इंटरव्यू जो है जून से पहले भी हो जाए, फाइनल ईयर वाले चांस ले सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूँगा बिकॉज एप्लीकेशन फ़ीस है यहाँ पे 571 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। एंड आपको जो है
अप्लाई करना है तो ये फीस पे करनी होगी जो कि नॉन रिफंडेबल है। सो अप्लाई करने की प्रोसेस भी समझ लेते हैं। इसकी लास्ट डेट 23rd है, ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट पे लास्ट डेट अप्लाई करने की 23rd है, लेकिन आपका जो एप्लीकेशन होगा आपने भर लिया और वो जो एप्लीकेशन है वो आपको एड्रेस पे भेजना होगा और वो 4th मार्च से पहले पहुंच जाना चाहिए। तो आपके पास 23rd फेब को भी अगर अप्लाई करते हो तो आपके पास टाइम रहता है, आप 4th मार्च से पहले ये जो है इनका जो दिल्ली का एड्रेस है वहाँ पर आप पहुँचा सकते हो नॉर्मल पोस्ट से। सो ये है पूरा चैनल, मतलब इस तरीके से अप्लाई करना है। रिटर्न रेस्क की भी सेंटर्स इन्होंने क्लियरली बता दिए हैं और यहाँ पे फीस के बारे में भी हमने देख लिया। यहाँ पे फीस जो है 571 रुपीज़ है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं यहाँ पे फीस को देख चुका हूँ, लेट मी सर्च फॉर यू किस क्या है फीस। 571 प्लस बैंक चार्जेस। सो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना है एंड काफ़ी सिंपल प्रोसेस है। अपडेट अच्छी है, फीस ज़्यादा है ऐसा आप बोल सकते हो, वैकेंसी कंपेयर टू दैट थोड़ी कम है। अगर आप कॉन्फिडेंट हो इसको लेके ज़रूर से अप्लाई कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है जहाँ सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी एज वेल एज उसी पेज पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन अप्लाई करने की लिंक मिल जाएगी। और मैंने जॉबकॉन अकेडमी के बैचेस के बारे में बताया, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी चेकआउट करना मत भूलना, वो भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है अगर आप प्रिपरेशन को लेके सीरियस हो। मान लो इसमें आपकी प्रिपरेशन इतनी अच्छी नहीं है, वैकेंसी इतनी ही आती है, लेकिन प्रिपरेशन अगर होगी तो आपको कॉन्फिडेंस भी होगा और आप इस वैकेंसी पे भी शायद अप्लाई कर पाओ। सो मेन बात यह है कि प्रिपरेशन होगी तो आप यहाँ पे कॉन्फिडेंटली अप्लाई भी कर पाओगे। तो बैचेस की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर से चेक कर लेना। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जॉब अपडेट में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।